ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। देखिए हमको ये चेक करना है कि ये जो दोनों इवेंट्स ई और एफ हैं, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक, और इसके पहले हम थोड़ा सा आपको ताश के बारे में बता दें। देखिए जो आपका जो पैक होता है कार्ड्स का, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, कैटेगरी होती है उसमें बेसिकली। तो देखिए एक आपकी कैटेगरी आपकी होती है हार्ट, ठीक है, हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, ठीक है। ठीक, ये फोर वैरायटी होती है, ये कैटेगरी होती है, और सब में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब में भी 13 होंगे, 13 स्पेड में भी होंगे, और 13 ही किसमें डायमंड में भी होंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके बेसिकली जो बनते हैं, वो आपके जो फेमस कार्ड होते हैं, एक आपका एस कार्ड होता है, ठीक, और एक आपका किंग होता है, क्वीन होता है, और जैक, ठीक। इन कार्ड्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में भी, और इवन अगर आप प्री बोर्ड वगैरह दोगे तो उसमें भी आपका इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए अगर ये पैक में अगर 52 कार्ड्स हैं, ठीक, तो आपके फोर क्या हो जाएंगी, फोर आपके एस होंगे, और फोर ही आपकी आपके किंग होंगे, और फोर ही आपकी क्या होंगी, क्वीन होंगी, और फोर क्या होंगे, जैक, ठीक। ये सारे क्या हो जाएंगे, फोर फोर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अब इवेंट इंडिपेंडेंट अगर हमें बताना है, तो बस हमें यहां पर इतनी सी सिंपल सी बात यहां पर हमें प्रूफ करनी है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। ये अगर हम प्रूफ कर ले जाते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए पहले हम इवेंट ई को हम सॉल्व करेंगे। द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, ठीक है। तो अब देखिए स्पेड की कैटेगरी में कितने कार्ड होते हैं, 13, ठीक। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 13/52, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो करके आ जाएगा 1/4, ठीक। और एफ आपका इवेंट क्या हो जाएगा, द ड्रॉन कार्ड इज एन एस। अगर ये एस है, ठीक, तो एस कितने हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, टोटल कार्ड्स कितने, 52, तो 4/52, तो ये आपका आ जाएगा 1/30, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पहले हम आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। आरएचएस हमारा क्या है, एलएचएस, आरएचएस, ठीक है। तो आरएचएस है हमारा पीई इंटू पी एफ, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 × 1/13, तो ये आपका आ जाएगा 1/52, ठीक। अब देखिए अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन में अगर सैंपल स्पेस पर जाएं तो क्या होंगे, 52 कार्ड्स होंगे, ठीक। अब आ रही है बारी एलएचएस की। एलएचएस को अगर हमें सॉल्व करना है, एलएचएस को सॉल्व करना है पीई इंटरसेक्शन एफ। तो अब देखिए ऐसा कार्ड, ठीक, ऐसा कार्ड जो स्पेड भी हो और एस भी हो, स्पेड भी हो एस भी हो। देखिए हमारे पास कार्ड की कैटेगरी क्या होती है, कार्ड की कैटेगरी हमारे पास फोर होती है, ठीक, और स्पेड एक कैटेगरी होती है जिसमें 13 कार्ड होते हैं, ठीक, और स्पेड में केवल एक क्या होता है, एस होता है। स्पेड भी हो और एस भी हो, तो स्पेड में और एस में केवल एक ही कार्ड तो ऐसा होगा जो स्पेड भी होगा और एस भी होगा।
तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पीई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 1/52 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब देखिए आपको बता दें जो पैक होता है 52 कार्ड्स का, उसमें 26 क्या होते हैं, 26 आपके होते हैं ब्लैक। ठीक, और इन ब्लैक में आपकी कौन सी कैटेगरी होती है, एक आपका क्लब और स्पेड। ठीक, और 26 आपके क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। ठीक, और रेड में हर्ट और आपके डायमंड। ठीक, ये आपकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, यानी कार्ड ब्लैक हो। ठीक, तो इवेंट ई द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक, तो ड्रॉन कार्ड ब्लैक हो। ठीक, यानी कि पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 26 में से चूज किया जाएगा, 26 ब्लैक होंगे तो 26/52, तो क्या आ जाएगा ये 1/2। ठीक, इवेंट एफ, ठीक, ये हमारा है द कार्ड इज ड्रॉन इज किंग। ठीक है, तो जो हमारा कार्ड है वो क्या हो, वो किंग हो। ठीक, तो पी एफ, ठीक, तो किंग हमारे कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ये हमने बताया था इसके पिछले पार्ट में, हमने सारी कैटेगरी के सारे कार्ड्स हमने डिस्कस कर दिए थे, 4 किंग हो सकते हैं। तो 4 किसमें से चूज किए जाएंगे, 52 में से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/13। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा गिवन इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं ये चेक करना है। तो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू होना चाहिए पीई इंटू पी एफ। ठीक, ये आना चाहिए। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस है हमारा पीई इंटू पी एफ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 × 1/13। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/26। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो ये है आपका पीई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो अब देखिए द कार्ड, ठीक, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, कार्ड ड्रॉन इज किंग। देखिए अब कार्ड हमारा ब्लैक भी हो किंग भी हो, देखिए दो कैटेगरी के कार्ड ब्लैक होते हैं, आपका एक तो स्पेड और दूसरा आपका क्लब। ठीक, तो किंग भी हो ब्लैक भी हो, और दो ही आपके क्या होंगे, किंग भी होंगे। ठीक, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल कर आएगी कितने में से लेंगे, ठीक, टू आपके कार्ड्स चूज किए जा सकते हैं जो ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ऐसे दो ही कार्ड्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/52, तो ये आपका आ जाएगा 1/26। ठीक, यहां से आप देख रहे हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं हेंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बस यही हमें निकालना था। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए द ड्रॉन कार्ड इज किंग और क्वीन। तो अब देखिए जो हमने कार्ड जो हमने चूज किया है वो किंग और क्वीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जो हमारा इवेंट ई है द कार्ड ड्रॉन इज अ
किंग और क्वीन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, अब देखिए हमारे पास फोर, हमारे पास किंग हो सकते हैं, फोर क्वीन हो सकती हैं। तो अब जो हमारे पास चॉइसेस हो गए वो कितनी हो गई, एट हो गई, ठीक। तो एट को चूज करना है कितने में से, 52 में से। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8/52, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/13, ठीक है। इवेंट एफ है, द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, ठीक है। कार्ड ड्रॉन, ठीक है, इज अ क्वीन और जैक, ठीक है। तो पी एफ जो हो जाएगा कितना, यहां पर भी हमारे पास एट चॉइसेस हो गई, तो ये हो जाएगा 8/52, तो ये आपका आ जाएगा 2/13, ठीक है। तो अगर हम यहां से, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, ठीक, ये हमारा होना चाहिए। तो अब देखिए PE इंटरसेक्शन F, ठीक। पहले हम RHS हम सॉल्व कर लेते हैं, तो RHS है हमारा PE इंटू PF, ठीक है। तो ये आपका 2/13 इंटू 2/13, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4/169, ठीक है। अब देखिए, अब LHS है हमारा क्या, PE इंटरसेक्शन F, ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन F, तो अब देखिए किंग और जैक में कुछ कॉमन हमें मिल नहीं सकता, जो भी कॉमन हमें मिलेगा वो क्या होगा, क्वीन हो सकती कॉमन, ठीक। तो क्वीन क्या हो जाएगी, क्वीन आपकी हो जाएगी 4/ क्या हो जाएगी, 52, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1/13, और 1/13 4/169, ये किसी भी सूरत में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। तो यहां से क्या कह सकते हैं, LHS LHS not is equal to RHS, ठीक। तो यहां से hence both the events are not independent, बस यही हमको करना था।